गाना मैंने 2014 में मैंने अमेरिका में एक फ़्लाइट में बनाया था, और उसके बाद में एक अनप्लग्ड शो आता है MTV में, तो उसके लिए मैंने वहाँ पे इसे गाया था। एंड आई सॉ द रिस्पॉन्स वॉज वेरी अमेजिंग, लोगों ने फर्स्ट टाइम सुना बट सब लोग साथ में गा रहे थे, और यू कैन ऑल्सो सी इंटरनेट में है वो गाना। तो तब मैंने सोचा था कि इस गाने को मैं एक सिंगल बना के पेश करूँगा, और बहुत टाइम से मैं इस पर काम कर रहा था। आई वॉज थिंकिंग इसको कैसे साउंड करना चाहिए, क्योंकि फिल्मों में गाने तो मैंने गाए हैं और गाते भी आया हूँ, पर हमेशा साइड बाई साइड इंडिपेंडेंट म्यूज़िक मेरी करने की हमेशा अच्छा रहती है, चाहे दीवाना हो या चंदा की डोली हो या क्लासिकली माइल्ड हो, रफ़ी रिजरेक्टेड हो, फिर जान याद, मैंने काफ़ी किस्मत, मौसम, बहुत सारी एल्बम्स किए मैंने। और अब एल्बम्स का इतना फॉर्मेट बदल चुका है, इट्स सिंगल्स नाउ, बिकॉज पीपल डोंट रियली गेट टू बाय सीडीज एंड कैसेट्स एवरीवेयर, मिलते ही नहीं है। लोग एक ही गाने को ध्यान देते, सो आर फोकस हैज़ टू बी एक गाने को इतना अच्छा बना के उसको पेश करो कि 8 गाने की ज़रूरत नहीं पड़े, तो एक गाने को ही 8 का बना के पेश करो। सो इसलिए मैंने इस गाने को सोचा कि वील डू अ सिंगल, एंड दैट्स वेयर कल्चर मशीन केम इन। मेरे उनके साथ में ऑलरेडी आपने देखा है अभी, जो हमने रोड साइड उस्ताद उनके साथ में किया था, आई लाइक दोज गाइस, मुझे लगता है बहुत समझदार टीम लगती है मुझे, और मुझे वैसे भी थोड़े हैंकी पैकी लोग पसंद नहीं है, मैं कम काम करता हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ में स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग रहें जिनका दिमाग चलता हो, सिर्फ ज़बान नहीं चलती, दिमाग भी चलता हो। तो आई फेल्ट मेरी इन सच्ची ट्यूनिंग है, एंड दैट्स व्हेन वी डिसाइडेड कि हम लोग इस एल्बम को, इस गाने को फुल थ्रॉटल बनाएंगे और अच्छा पंप करेंगे। तो मेरी सर्जरी के पहले मैंने फटाफट गाने को बना के उसके वर्जन बना के शूट करके, एंड आई जस्ट थॉट कि इस गाने को बाद में मैं नहीं कर पाऊंगा, तो मैं पहले वीडियो शूट कर लिया, देन आई वेंट टू द सर्जरी। तो जैसे कि आपका रोड साइड उस्ताद जो आया था एल्बम, वो आइडिया कहाँ से आया था, किसका वो आइडिया था? एक्चुअली जैसे ही मैंने कल्चर मशीन के साथ में पहली कुछ मीटिंग्स हमने की, और जब जो एजेंसी मुझे मैनेज कर रही है क्वान, उनके साथ में और सब बैठ के हम लोगों ने बातचीत की, तो ये आइडिया उनकी तरफ से आया ऑफकोर्स, और फिर इसको थोड़ा बहुत ट्वीक किया कैसे, क्योंकि पेश तो मुझे ही करना है ऑफकोर्स, पर ये आइडिया उनकी तरफ से आया था और मुझे अच्छा लगा बहुत, क्योंकि कभी किसी ने ऐसा किया नहीं था गा के, और थोड़ा चांस लेने की बात थी, वी वर थिंकिंग कि इसको मुंबई में करें या कहीं और करें, पर हमने यहाँ पे किया। एंड वी थॉट कि इसको हम एग्जैक्टली अपने वीडियो से एक हफ्ते पहले प्लग इन करेंगे, ताकि हमारा जो स्पेशल वीडियो है जिसके लिए इतने लोग हम जुड़े हुए हैं, हमने इसको 4 बार तो मैंने इसको प्रोग्राम किया इस वीडियो को, और उसके बाद फाइनली एक वर्जन इसका मैंने सिलेक्ट किया, और वीडियो टीम ने कम से कम 12 या 13 कॉन्सेप्ट दिए हैं इसके वीडियो के लिए, क्योंकि आज के ज़माने में आप देखेंगे ऐसे इतने सोच के साथ में वीडियो बनते नहीं हैं, वो ज़माने गए, पर हमने इसको वी ट्रीटेड इट लाइक ए फिल्म, ऐसा उसको ध्यान दिया। एंड देन मेरे बहुत सारे दोस्तों ने आके इसमें इस वीडियो को एम्पावर किया है, फराह, राजू हिरानी, कैलाश केर, सुनील ग्रोवर, नैटली दिलुचियो, और मेरा क्यूटी पाई बेटा। सो सब ने इसको वी थॉट वील मेक दिस सॉन्ग एंड प्रेजेंट इट टू द पीपल, जिनको लगता है कि सिर्फ फिल्मों में गाने सिर्फ ना हो और इंडिपेंडेंट म्यूज़िक भी आए, सो वो सोच के हमने इसे किया, एंड आई थिंक द स्ट्रेटजी हैज काइंड ऑफ वर्क्ड। हाय, आप सोनू निगम है ना, मतलब भरूपिया बन के घूमते हैं। हाँ, अभी देखो दाढ़ी के पीछे मालूम पड़ गया। ये अलग अलग रूप धर के ये सब करने का ये जज्बा आप ही ने मतलब सोचा? कुछ एक्चुअली मैं ओपन माइंडेड रहता हूँ, आई डोंट हैव क्लोज आइडियाज़ अबाउट माई सेल्फ और प्रोफेशन। मुझे अगर कोई अच्छी बात लगती है तो मुझे किसी ने अच्छा प्रपोज़ किया, मुझे कल्चर मशीन टीम ने कुछ अच्छा प्रपोज़ किया और मुझे अच्छा लगा, फिर मैंने उसमें अपनी एक्सपर्टीज़ ऐड की, तो सोचा नहीं था। मैं हमेशा मुझसे कोई पूछते आप आगे क्या करने वाले हैं, मुझे पता ही नहीं था आगे क्या करने वाला, तो जो आएगा सामने मैं कर लूँगा। सो दिस ये आ गया मेरे पास, मैंने कर लिया, एंड इट हैज़ बीन लैपटॉप बाय पीपल। ऑल आई डू इज़ मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी मुझे दिया जाए मैं उसको तमीज़ से करूँ और ईमानदारी से करूँ, चाहे वो गाना हो, चाहे वो सड़क पे गाना हो, चाहे वो फ्लाइट में गाना हो। कई सारी चीज़ें इसमें हमने कही हैं, हमारा प्रोफेशन म्यूज़िक का है, तो ऑफ कोर्स
क्रेजी दिल के लिए ही ये सारा हमने समा बांधा था ताकि हम लोग म्यूज़िकली एक बात भी कह दें। और उसके पहले हमने ये जो रोड साइड उस्ताद के जो एक्सपेरिमेंट था वो हमने किया था, उसके पीछे सिर्फ ये था कि वही मैं हूँ और वही आवाज़ है, सिर्फ फ़र्क है तो मेरे कपड़ों का, मैं कहाँ बैठ के गा रहा हूँ, मैं कैसा दिख रहा हूँ और मेरे पीछे कितनी बड़ी मार्केटिंग टीम है, प्रेस मीडिया मेरे आसपास है कि नहीं है। अकेला इंसान बैठा है और किसी के बुलावे पे नहीं है, किसी के निमंत्रण पे नहीं है, तो कैसा अनुभव होगा? बस हमने यही सोचा था कि सीखना हम क्या देंगे किसी को, सीख हमने खुद ही सीखा बहुत कुछ, देयर इज़ नो नथिंग टू प्रीच अबाउट इट, फॉर मी इट वॉज माई ओन लर्निंग, आपने उससे क्या सीखा ये आप लोग जानेंगे, आई कांट टीच यू। Yeah, but they didn't recognize my voice. They liked my voice. That was a good part, that I could actually out of nowhere attract them through my voice. But in fact, I was dreading the fact कि मुझे पहचान ना जाए यार, बड़ी embarrassment हो जाएगी मुझे कि मैं कैसे संभालूंगा इस चीज़ को, मेरे आसपास में कोई है भी नहीं, ना मेरे बॉडीगार्ड है, ना मेरे कोई टीम है, ना मेरे मैनेजर्स हैं, ना मुझे अब मैं कम्युनिकेट भी कैसे करूँ, अब मैं हो गया कि नहीं। तो आपने जो देखा है वो बहुत छोटा क्लिप है, मैंने तो बहुत लंबा, मैंने एक एक जगह पर एक एक घंटा गाया, वन आवर एक जगह पर चंदन के पीछे, फिर एक घंटा चंदन के सामने, फिर एक घंटा चार बंगला में, तो आसान नहीं, मैंने बहुत काफ़ी धूप में बैठ के मिट्टी में और काफ़ी गाया था और तरह तरह के गाने गाए थे, आपने सिर्फ दो सुने हैं, मैंने कम से कम 25 गाने गाए थे, इतना मेहनत के बाद में तब लोग इकट्ठे हुए हैं। कैमरा सेटअप काफी मतलब पूरा प्लानिंग के साथ किया गया जो अलग-अलग एंगल से और जी हाँ, ताकि लोगों को शक ना हो कि कुछ टीम यहाँ पे है कि नहीं, इसलिए अकेले ही था मैं। सर रिचर्ड गियर ने भी एक वीडियो किया था जो होमलेस पे था, तो इंस्पायर्ड था वीडियो, मुझे पता नहीं है एक्चुअली, मैंने किसी और को देखा है एक्चुअली, एक मुझे जो इंस्पिरेशन था वो एक फुटबॉलर था, प्रोफेशनली था वो, बहुत कमाल का गिमिक करता उसने, पता नहीं जैसे बॉल उछाल के सर के ऐसे करने वैसे करने वाला, ही वॉज नॉट अ प्रोफेशनल फुटबॉलर, दिस इज सर्टन वर्ड दैट यू कॉल, मैंने उसका वीडियो देखा था आज से कुछ 3-4 साल पहले कि वो किसी फुटबॉल के ग्राउंड में घुस गया बुढ़ा आदमी बन के, एंड देन उन सबको चखा रहा है, कोई इसकी बॉल पकड़ नहीं पा रहा, सो मुझे मैंने उसका देखा है, बट मुझे रिचर्ड गियर का पता नहीं है और किसने क्या किया। आई हर्ड सम पीपल हैव डन दिस, बट दिस वाज म्यूजिकल ना, इसमें इसका कंपैरिजन नहीं है, बिकॉज किसी वोकलिस्ट ने कभी नहीं किया ऐसा, कोई आके कुछ भी करेगा तो कोई आके गाए, मतलब माइकल जैक्सन ने किया हो तो मैं समझ सकता हूँ, बट किसी सिंगर ने नहीं किया कभी ऐसा, और गा के मतलब ज़मीन पर हारमोनियम बजा के खुद गाना, दैट वाज स्लाइटली, और इंडिया में तो वैसे भी आपको पता है लोग कितना जल्दी में रहते ही हैं, सो इट वॉज गुड कि मेहनत की लेकिन लोग इकट्ठे हुए। जैसा कि हमने वीडियो में देखा है कि एक आदमी आपको पूछ रहा था खाना खाए कि नहीं, तो वो कैसा अनुभव रहा था कि आपका? अच्छे लोग हैं दुनिया में, एंड आई लाइक द फैक्ट जब अच्छे लोग मिलते हैं तो हमेशा मैं खुश होता हूँ, अभी वो हम ज़रूर से मिलना चाहेंगे हम लोग सभी, और उम्मीद है उससे मिल भी लेंगे, इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस टू सी हिम कंसर्न, मेरे हाथ में उसने 12 रुपये दिए भी। बस अभी क्रेजी दिल में आपने वीडियो दिखा, अभी वीडियो दिखा ना, हाँ का है 12 रुपये का क्या किया? 12 रुपये का नीचे फ्रेम आप देख लो ना, फोटोग्राफ लगा नीचे लगा हुआ, 10 रुपये लगा हुआ। तो अभी आपकी सर्जरी हुई है तो कितनी रिकवरी हुआ है? थोड़ा लंबा काम है क्योंकि अभी मैंने एक पैर का किया, अभी सेकेंड पैर का भी होगा, सो आई जस्ट वॉन्ट गेट डन विद एक बार, ताकि मेरे कार्टिलेजेस में तकलीफ बहुत हो रही थी। आई ऑल्सो एडवाइज एवरी वन थ्रू योर मीडिया, नेवर प्ले स्क्वाश, स्क्वाश बहुत बुरी चीज़ होती है, अगर जब तक कोई बहुत अच्छा ट्रेनर ना मिले आपको तब तक स्क्वाश मत खेलना, वरना मेरी ऐसी हाल हो जाएगी। एंड अब तो भी मुझे बस क्रेजी दिल के लिए हम यहाँ पे मौजूद हैं, दैट्स अ सिंगल दैट्स कमिंग आउट टुमारो, कल ही आ रहा है ना, कल ही आ रहा है, मुझे कभी डेट्स का समझ नहीं आ रहा, कल आ रहा है, और एक नई नया रास्ता ढूंढ रहे इंडिपेंडेंट म्यूज़िक, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप लोग
म्यूज़िक चलाने की बात करते हैं अपने जानर्स में, तो आप हमेशा फिल्मों के गानों को ज़्यादा तवज्जो देते हैं, इसलिए क्योंकि उसमें लगता है आपको भी स्टार पावर होती है बहुत, उसके पीछे पैसा बहुत लगा होता है, बड़ी एक फिल्म को रिप्रेजेंट करता है गाना। सो वी आर ट्राइंग टू गिव यू सॉन्ग्स जिसको आप बजाने में आपको शर्म ना आए, थोड़े से ऐसे गाने जो सुनने में भी अच्छे लगे और दिखने भी अच्छे लगे। दैट्स व्हाट वी आर डूइंग, आप लोग इम्प्रेस करने के लिए गाने बना रहे हैं हमको, ताकि आप इम्प्रेस होंगे तो फिर गाने बजाएंगे आप लोग। इंटरनेशनल प्रोजेक्ट आपका कोई और? अभी होगा, करते हैं आस्ते आस्ते, आज के लिए इतनी ही बातें काफी। बहुत अच्छा ये, मतलब क्योंकि ये जो तरीका आपने अपनाया बहुत अच्छा है, जी बताइए अच्छा तरीका आपने। थैंक यू। बस मैंने नहीं अपनाया, इंसान बहुत जल्दी क्रेडिट लेता है किसी बात का, मेरा कोई क्रेडिट नहीं है इसमें, मेरे साथ में से होना था इसलिए हो गया, देयर इज नथिंग दैट आई कैन टेक क्रेडिट अबाउट, इट्स ऑल गॉड एंड इट्स ऑल द पावर ऑफ गुड पीपल अराउंड यू दैट मेक यू डू गुड थिंग्स, नोबडी कैन टेक क्रेडिट ऑफ एनीथिंग दैट हैपेंस इन हिज लाइफ, देयर आर लॉट ऑफ पीपल इन्वॉल्वड हु शेयर द क्रेडिट, उनकी कलेक्टिव लक डेस्टिनीज इन्वॉल्व होती हैं इसमें, सो आई एम हैप्पी दैट आई एम अ स्मॉल पार्ट ऑफ दिस ह्यूज आइडिया। कोई एक्चुअली मैं ना नहीं कहूँगा, पर करना चाहता हूँ कि नहीं चाहता ये नहीं पता मुझे, अगर कोई अच्छा चीज़ ऐसी प्रपोज की गई तो ज़रूर करूँगा, इनफैक्ट म्यूज़िकली कुछ जितना ज़्यादा हो सके करना चाहिए हम लोग को एज मच एज पॉसिबल, ऐसी जैसे मैंने इसमें सोशल एक्सपेरिमेंट ही किया बट इसमें म्यूज़िक डाला मैंने, देयर वाज म्यूज़िक इन इट, सो जो भी करूँगा उसमें म्यूज़िक हमेशा रखूँगा। क्रेजी दिल की हम बात कर रहे हैं तो क्रेजी दिल के साथ में जोड़ के हमने म्यूज़िकल कुछ किया है, सो अगर आप मतलब आपने सोचा होगा कि प्रॉपर स्ट्रैटेजी ही थी कि इसको एक हफ्ते पहले, म्यूज़िक वीडियो के एक हफ्ते पहले इसको हम डालेंगे, तो हमने इतना प्लान करके रखा था। शूट इसे मैंने किया था फरवरी में मेरे सर्जरी के कुछ दिन पहले, एंड देन वी सेव्ड इट टिल द वीडियो वॉज रेडी, और फिर हमने सोचा कि पहले इसको डालेंगे एंड फिर इसको डालेंगे, तो स्ट्रेटेजिकली हमने सोचा, हमने कोई बाई चांस कुछ नहीं किया, बहुत ही सोच समझ के सारी टीम ने इसको किया है, एंड आगे भी हम जो भी करेंगे विल ऑलवेज प्लान इट एज करेक्टली एज वी डिड दिस टाइम। जैसे कि आपने कहा कि आपने प्लान किया था कि इसको एक हफ्ते पहले ही डालेंगे, तो वो प्लान का रीज़न क्या था? क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि हमारा इंडिपेंडेंट म्यूज़िक जो आ रहा है वो एकदम अकेला खड़ा हो, उसको हमको बैकअप के लिए, बट हमें एकदम आइडिया नहीं था कि इतना लोग इसको प्यार करेंगे, लोग इसको इतना बड़ा बना देंगे, मुझे किन किन लोगों के कहाँ कहाँ से कॉल्स आए हैं, लोगों ने मुझे बहुत अच्छे अच्छे वाइब्रेशंस दिए, लोगों ने कहा कि दे वर क्राइंग एंड उनको विश्वास नहीं हुआ कि मैंने ऐसे किया, कुछ लोगों ने मुझे कहा कि वाकई में ऐसे हुआ था कि नहीं, तो फिर ऑफकोर्स दे न्यू कि हम ऐसे वी आर नॉट फेकिंग अप एनीथिंग, और रिएक्शंस लोगों के मालूम पड़ जाता है, और हम चाहते थे कि ये अगर ये थोड़ा सा भी बड़ा हो गया तो हमारे क्रेजी दिल गाने को जो सिंगल आ रहा है, बिकॉज इवेंचुअली आई एम ए म्यूजिशियन एंड आई वांट माय म्यूजिक टू बी पॉपुलर, मैं चाहूँगा कि मैं कुछ अगर इंडिपेंडेंट काम करता हूँ जो गाना आता नया वो पॉपुलर होना चाहिए, और हम सभी का ये उद्देश्य है, सो दिस इज़ वाई वी वांटेड टू एम्पावर आवर सॉन्ग एंड इट हैज़ वर्क्ड प्रीटी वेल। जी लास्ट क्वेश्चन प्लीज। क्रेजी दिल में सॉन्ग तो आप वॉइस तो आपकी नज़र आ रहा है, लेकिन लिरिक्स और कंपोज किसने किया? मैंने कंपोज किया और लिरिक्स मैंने लिखे हैं उसे। इतना सीनियर हूँ कि मुझे खास लू बेटे बच्चों नए लोग आ रहे हैं, उसमें आपको लगता है कि मतलब आप वैसे ही दर्शक या मतलब लिसनर्स को अपनी आवाज से खींच सकते, उस पर भी मतलब जरूरत पड़ती है आपको कि नहीं नहीं हर चीज़ को वी कांट टेक एनीथिंग लाइटली, इतना बड़ा मार्केट है, आप लोगों के पास दिखाने के लिए इतना कुछ है, आप मीडिया को या प्रेस को का इंटरेस्ट जनरेट करने के लिए यू हैव टू एक वर्दी चीज़ होनी चाहिए ना हाथ में, ऐसी गाना गा दूँ और माइक्रोफोन के पीछे खड़ा होकर गा दूँ क्रेजी दिल मेरा, क्रेजी है तो नहीं हो पाएगा, सो इसको मेटिकुलसली बना के काफ़ी टाइम एसेट्स सब कुछ इसमें लगा के दिमाग सबका लगा के दैट्स व्हेन वी मेड क्रेजी दिल,
और यू कॉन्ट टेक इट फॉर ग्रांटेड कि भाई अब तो हम बड़े फेमस हैं तो हम कुछ भी निकालेंगे और हिट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता. यू हैव टू बी हम्बल, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर क्वालिटी, व्हाट यू गिविंग टू पीपल. जब मैंने फरा को फ़ोन किया तो मैंने बोला फरा आप मेरे गाने में आओगे, तू बोलेगा तो मैं आऊँगी, तू जो भी बोलेगा मैं आऊँगी. फरा ने मुझे ऐसे ही बोल दिया. राजू को मैंने फ़ोन किया, राजू खुरानी को, मैंने बोला आपको मैं कुछ डिग्निफाइड ही कराऊँगा, डोंट वरी, बट आई वांट यू टू फीचर. अरे तू बोलना सुनो तो कभी मैं कर दूँगा. वो भी आ गया. कैलाश खेर को फ़ोन किया, भैया आप जब बोले हम आ जाएंगे, आपका बस हुक्म सर आँखों पर. तो फिर वो भी आ गए. और सुनील ग्रोवर को तो मैंने शूट के दिन उनको मैंने शूट के दिन 4 घंटे पहले फ़ोन किया. मैंने बोला आई एम सो सॉरी फॉर, मेरे दिमाग में अभी आइडिया है और आई थॉट अगर आप आ सकते हो तो शूट आज ही है. कहते मैं आता हूँ. सो इतना प्यार करते लोग. सो इट वॉज, सब चाहते भी हैं कि मैं कुछ कर रहा हूँ तो मेरे साथ में खड़े होंगे. एंड दिस इज़ प्रोबेबली माई लाइफ बेस्ट वीडियो इन टर्म्स ऑफ, गाने की तो बात आप कहेंगे बट इन टर्म्स ऑफ वीडियो आई थिंक दिस इज़ ब्रिलियंट वीडियो. पता नहीं एक्चुअली. मैं जब ये वीडियो वायरल हो रहा था तो मैं सरबजीत की कॉन्सर्ट में था, गाने के लिए मैं गया हुआ था, तो मैंने चेक नहीं किया किसने, बट बहुतों के मैसेजेस आए, बहुतों के कॉल आए. कॉल्स तो कई लोगों के आए मुझे. एंड क्रेजी दिल मेरा, क्रेजी है तेरा, मैं मजे में हूँ न जगा ना, क्रेजी दिल मेरा.